इसका एक पीस आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें इसकी लुक। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमाज़ किचन से साइमा खालिद। आज हम बनाने जा रहे हैं फालसा केक। आजकल क्योंकि फालसे का बहुत सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना फालसे की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। फालसे का जूस तो हम हर जगह से आसानी से ले भी सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। फालसे के केक के लिए ये मैंने फालसों को फ्रीज किया हुआ था। अब सबसे पहले केक के लिए हमें फालसे की प्यूरी चाहिए। इसे मैं जग में डाल के ग्राइंड करूँगी। इसमें हमने पानी नहीं डालना, अगर ज़रूरत हुई तो एक से दो चम्मच हम पानी भी डाल लेंगे। ये जग में डाल के मैं ब्लेंड करती हूँ और हसबे ज़रूरत पानी डाल दूँगी थोड़ा सा। हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे हाथ के साथ ग्रीस कर लें। ग्रीस करके अब इसे बटर पेपर या ब्राउन पेपर के साथ लाइन कर लें। पैन का साइज ले लें और उसे कट करके अंदर लगा लें और जो एक्स्ट्रा हो वो काट लें। ये मैंने पेपर लगा लिया है। अब इसे दोबारा ऑयल से ग्रीस करके इसमें बैटर डालेंगे। सबसे पहले हमने पैन को ग्रीस करके रखना है और ओवन को प्री हीट करना है, 180 पे प्री हीट करना है। पैन के साइज से बड़ा काटना नहीं है वरना साइडों से हमारे केक का लुक अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल साइज साइज का काटना है। अब इसे ग्रीस कर लिया, इसे एक तरफ रख देते हैं। गैस का ओवन है, इसे मैंने 180 पर प्री हीट के लिए रख दिया है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमाज़ किचन से साइमा खालिद। आज हम बनाने जा रहे हैं फालसा केक, जिसके लिए ये मैंने फालसे को ब्लेंडिंग जार में डाल के हसबे ज़रूरत पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लिया है, उसकी प्यूरी निकाल ली है। ये मुझे दो अंडों के लिए 1/4 कप यानी 4 चम्मच चाहिए। दो अंडे ले लिए हैं हमने। वन फोर्थ कप दूध चाहिए। इसमें हमने 1/4 टीस्पून लेमन जूस या सिरका डाल दें। पैन हमने ग्रीस कर लेना है। 100 ग्राम हमें ऑयल चाहिए। 100 ग्राम मैदा ले लेना है, इसे 3 बार छान लेना है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है। 1 चुटकी इसमें नमक जाएगा, 1 चुटकी से कम मीठा सोडा जाएगा, बेकिंग सोडा, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला के इसे तीनों को अच्छी तरह छान लें, 3 बार छान लें। सबसे पहले हम अंडों और चीनी को बीट करते हैं। मैं ये ऑयल से बना रही हूँ केक। आप मक्खन को भी, अगर मक्खन डालना चाहें तो वो भी इतनी ही मिकदार में 100 ग्राम डाल दें। सबसे पहले मैं पैन में एक एक करके अंडा डालती हूँ और इसे बीट करते हैं। पहला अंडा डाला और बीट करें, 1 से 2 मिनट इसे बीट करना है। दूसरा अंडा डालते हैं, इसे बीट करते हैं, 1 बीट करना है कि ये लाइट हो जाए। अब इसमें 100 ग्राम चीनी जाएगी। आस्ता आस्ता पीसी हुई चीनी डालेंगे तो जल्दी बीट हो जाएगा। पीसी हुई चीनी से ये जल्दी बीट हो जाएगा। मेरी चीनी थोड़ी मोटी है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आस्ता आस्ता सारी चीनी डाल दी है। इसे लाइट और फ्लफी होने तक बीट करना है कि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मैं इसे उस वक्त तक बीट करती हूँ जब तक चीनी इसकी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। बीटर को बार बार दरमियान में बंद करना है, थोड़ा सा बीट करना है फिर बंद कर देना है। इस तरह आपके बीटर की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। दरमियान में स्पैचुलर के साथ इसे सेंटर में करते रहें। अगर कोई किनारों में चीनी है तो वो उसे सेंटर में करके फिर बीट करें।
ताकि सब इकट्ठा बीट हो जाए। केक बनाते हुए हमने अपने बीटर को लो स्पीड पे अंडे बीट करने हैं, तेज स्पीड पे नहीं करने। ये हमने 1/4 कप दूध लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून सिरका डाल के दूध को मैंने हल्का सा गर्म किया है और इसे मिक्स करके रख देते हैं। ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, ये भी हमें चाहिए। इसमें ये मैदे में एक चम्मची यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा गया है और 1 चुटकी नमक गया है, आधी चुटकी के करीब नमक गया है और एक चुटकी से कम बेकिंग सोडा गया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के इसे अच्छी तरह हमने छान लेना है। जब हमारे अंडे अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, हमारी चीनी अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगी अंडे, उस वक्त हमने इसमें वन टी स्पून हमने एक वनीला एसेंस डालना है। अब इसमें 100 ग्राम ऑयल जाएगा। मेरी चीनी अच्छी तरह बीट हो गई है, इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस चला गया है, इसे डाल के बीट करते हैं। ये 50 ग्राम के करीब मक्खन है, 50 ग्राम के करीब मैंने इसे हल्का सा मेल्ट कर लिया है। ये घर का बना हुआ मक्खन है, 50 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाला है और 50 ग्राम ये घर का बना हुआ मक्खन से मैं लिक्विड बना के डाल दूँगी। आप इस तरह भी ऑयल की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, या खाली मक्खन को भी आप मक्खन और चीनी से भी बना सकते हैं। पहले मक्खन और चीनी को बीट कर लें, उसके बाद एक एक करके अंडा डालें। और मैंने क्योंकि ऑयल से बनाना था और मक्खन कम यूज़ करना था, इसलिए पहले मैंने चीनी और अंडों को बीट किया है। अब इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल पहले हाफ डाला है और हाफ मैं इसमें मक्खन मेल्ट किया हुआ डालूँगी। ये 50 ग्राम के करीब ऑयल मक्खन मेल्ट किया हुआ मैं इसमें डाल के इसे बीट करती हूँ। 1 से 2 मिनट इसे बीट करेंगे। केक को लो स्पीड पे हमने तैयार करना है। जब इसमें हमने मैदा डालना है तो हमने अपनी मशीन नहीं और रखनी, हमें हाथ के साथ ही इसे फोल्ड करना है, मशीन के साथ नहीं फोल्ड करना। अब सबसे पहले मैदा फोल्ड करना है, तो सबसे पहले 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बटर मिल्क इसे मिला के फोल्ड करेंगे। हमने इसे क्लॉकवाइज फोल्ड करना है, चम्मच से कर लें या स्पैचुलर से कर लें। फिर 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच बटर मिल्क, और फिर 1 चम्मच मैदा। ऐसे 1 चम्मच मैदा 1 चम्मच बटर मिल्क डाल के मैं सारा फोल्ड करती हूँ। ये हमारा बटर मिल्क मुकम्मल हो गया है। स्टार्ट हमने मैदे से किया, एंड भी हमने मैदे पे किया। अब ये हमारे पास फालसे की प्यूरी है, इसमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसे हमने इसमें डाल देना है। 1 चम्मच फालसे की प्यूरी, 1 चम्मच मैदा, अब फिर 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच हमने प्यूरी डाल दी। ऐसे सारी प्यूरी और मैदा मिक्स कर देते हैं, या इकट्ठी प्यूरी भी डाल दें और ऊपर से मैदा डाल के फोल्ड कर लें। ये सारी प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है और इसे मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसमें मैदा फोल्ड कर देती हूँ। अब इसे ऐसे फोल्ड करना है क्लॉकवाइज, कट एंड फोल्ड, इसे हमने क्लॉकवाइज ही घुमाना है। बैटर हमने सारा मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब ये हमने पैन नीचे ग्रीस किया हुआ है, इसमें ये बैटर डाल देती हूँ और इसे ओवन में 180, हमने अपने बैटर को 3/4 बनना है, फुल हाफ से ज़्यादा और हाफ से कम, हाफ तक कर सकते हैं लेकिन हमने ऊपर तक नहीं भरना क्योंकि इसमें राइज होना है और ऊपर से फ्लो हो जाएगा यानी कि गिर जाएगा। इसलिए ये मेरा हाफ है या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं इसे ओवन में रख देती हूँ। हमारा टेम्परेचर 180 है और इसे हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक करना है और इसे मैं आधे घंटे के लिए या 25 मिनट के बाद हम देखेंगे। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। इस दौरान हमने ओवन को अपने खोलना नहीं, अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो भी पतीले का आपने ढक्कन नहीं खोलना, इसे ऐसे ही हमने बंद कर देना। ये मेरे पास फालसे की प्यूरी है, इसमें से मैं गुठलियाँ रिमूव करके इसमें मैं 3 से 4 चम्मच हसबे जायका चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी।
और इसमें थोड़ा सा ऑयल या मक्खन डाल के मैं इसकी थोड़ी सी प्यूरी तैयार कर लूँगी, यानी हमारा यह जैम तैयार हो जाएगा जो हमने ऊपर से ड्रेजर करना है। हमारा केक बेक हो जाएगा और ऊपर से हम फालसे से गार्निश कर लेंगे, या आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम को बीट करके भी लगा सकते हैं। यह आपका प्यूरी है, इसमें से मैंने गुठलियाँ रिमूव कर दी है, इसे फ्लेम पर रख दिया है और इसमें हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है। इसे मिक्स करके हम पकाते हैं। ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो इसमें हम एक चम्मच ऑयल शाइनिंग के लिए या मक्खन डाल देंगे। इसमें मैं हाफ टी स्पून लेमन जूस निकाल के डाल दूँगी। एक चम्मच इसमें मक्खन डाल देती हूँ शाइन के लिए। ये देखें हमारी सॉस बिल्कुल ठीक हो गई। चम्मच को देखें इसके ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जैम ही हमने तैयार किया है। ये तैयार हो गया है, ये हमें इसके ऊपर लगाना है। इसको आप कट करके केक जब हमारा ठंडा हो जाए इसके दरमियान में भी लगा लें और उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठंडी होने के बाद इसने और भी ज़्यादा ठीक हो जाना है। ये हमारा बिल्कुल होममेड स्ट्रॉबेरी जैम भी तैयार हो गया है। ये इसे हम इसके ऊपर भी केक के लगाएंगे, आप इसे चटनी भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आप इसके अंदर आप आलू बुखारा भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, तो बहुत लजीज है। मैंने चख के देखी है, बहुत ही शानदार बनी। चारों मगज़ भी उसके ऊपर डाल लें, बादाम डाल लें, पिस्ते डाल लें, खाने में बहुत ही मज़ेदार है, शानदार है। हमारे नीम केक को हमने ओवन से निकाल लिया है, ये आधे से पौने घंटे में बेक हो गया है। इसे हम ठंडा करते हैं और फिर ठंडा होने के बाद इसे बाहर निकालेंगे। ये हमारा क्रिप वाला फैन है, इसको ऐसे करके फिर ऐसे खोल लेते हैं। अभी गर्म है, मैं इसे खोल के ऐसे करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। वैसे तो ये गर्म नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्रिप वाला फैन था इसलिए निकल गया। नीचे इसकी प्लेट है, इसे मैं किसी जगह पर रखती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, इसको हम फिनिश करें। अभी हमारा केक बहुत गर्म है, इसे मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ दो पीसीज में और इसे ठंडा करते हैं। अब इसको हमने दो पीसीज में कर लिया, अलग अलग रख लिया। अब इसका बटर पेपर उतारेंगे आस्ते आस्ते से और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये मैंने एक लेयर लगा दी है जैम की, ऊपर हम केक रखते हैं। केक बहुत सॉफ्ट है, वो अभी गर्म भी बहुत है। अब हमने इसकी सेकेंड लेयर तैयार करनी है, उसके ऊपर हमने सेंटर में जैम डाल देना है सारा। ये हमारा बिल्कुल फाइनल हमने लुक तैयार कर ली। ऊपर मैंने थोड़े से फालसे डाल दिए हैं क्योंकि फालसा केक है, तो फालसे को बगैर कैसे पता चलेगा। और थोड़े से मैंगोज़ के मैंने पीसीस करके कलर चेंज करने के लिए मैंगो के पीसीस लगा दिए हैं, कलर अच्छा लगे। आप भी ट्राई करें, जो दिल चाहे इसमें फ्रूट डालें। आड़ू लगाने से भी बहुत अच्छा कलर आएगा और मैंगो से देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप भी इसे खाएं, इंजॉय करें। इसके अंदर कट करके भी मैंगो लगा लें, स्ट्रॉबेरीज लगा लें, जो आपको जिस फ्रूट का फ्लेवर अच्छा लगता है वो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इस केक को बनाना मस्ट है, बहुत ही लजीज है, बिलीव मी खाने में बहुत शानदार है। अल्लाह हाफिज़। इसका एक पीस आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें इसकी लुक